सियासत में दबंगई हो या दबंगई से सियासत, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की यही पहचान है। विवादों के राजा जी का नाम वैसे तो रघुराज प्रताप सिंह है, लेकिन कोई बाहुबली, कोई रॉबिनहुड तो कोई राजा भैया के नाम से पुकारता है। राजा भैया का नाता हमेशा से विवादों से रहा है, कभी हत्या, कभी डकैती, कभी अपहरण, तो कभी और कोई विवाद। वैसे जैसे जैसे विवादों से राजा भैया का नाम जुड़ता गया, वैसे वैसे उनका कद बढ़ता चला गया। फिर चाहे वो सामाजिक हो या फिर राजनीतिक, निर्विरोध चुनाव लड़ना और जीत जाना और फिर राज्य सरकार में उनके मंत्री बन जाने की सियासी कला दरअसल एक किस्म राजनीतिक दबंगई का नाम है। राजा भैया को किसी ने मुलायम का करीबी माना तो किसी ने राजनाथ सिंह का, लेकिन उनकी राजनीतिक चाल और चतुराई ने उनके विरोधियों सियासी कहानी को कुंडा में कभी शुरू ही नहीं होने दिया। राजा भैया ने सिर्फ 24 साल की उम्र में राजनीति में अपना हाथ आजमाना शुरू किया और आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत लिया। राजा भैया का जन्म साल 1969 में 31 अक्टूबर को भदरी में हुआ था। इनके पिता उदय प्रताप सिंह की छवि उनके इलाके में काफी अच्छी मानी जाती है। राजा भैया के दादा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, यानी कि राजा भैया के खून में सियासी चाल पहले से ही है। यूपी के प्रयागराज के आसपास के कई जिलों में राजा भैया राजनीति की एक धुरी बन चुके हैं। साल 1993 में राजा भैया ने राजनीति में कदम रखा और पहली बार विधायक भी बने। इसके बाद से आज तक इलाके के लोगों ने सिर्फ राजा भैया को ही जीत दिलवाई है। विरोधी तो चुनाव में सिर्फ हारने के लिए खड़े होते हैं। समझ लीजिए कि एक निर्दलीय विधायक को 1993 और 1996 ने सपोर्ट किया, 2002, 2007 और 2012 में समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया। खाली वक्त में कुंडा की सड़कों पर बुलेट दौड़ाना, जिप्सी के साथ हेलीकॉप्टर की सवारी करना राजा भैया को खूब पसंद है। उनके पास करीब 200 करोड़ से ज्यादा की चल और अचल की संपत्ति है, जिसमें पैतृक संपत्ति भी शामिल है। साल 1996 में कल्याण सिंह राजा भैया के घर पहुंचे और हुंकार भरी और चुनाव हार गए। साल 2002 में राजा भैया को मायावती ने जेल भेजा। 2003 में मुलायम सिंह की सरकार आने के बाद उन पर लगाए गए सारे आरोपों को हटा लिया गया था। कुंडा में राजा भैया का अपना ही कानून है। लड़ाई दंगे और घरेलू लड़ाई पर लोग पुलिस से नहीं बल्कि राजा भैया से न्याय मांगते हैं। कहते हैं राजा भैया का घर न्याय का घर है। D3 News